हेलो माय लवली बेकर्स, वेलकम बैक टू शगुनिका'स क्रिएटिविटी। सो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही शानदार एक केक। तो केक है 1 kg की। तो ये रहा मेरा 2 बेस, आधा केजी की। और मैं जो है पहले पाइनएप्पल क्रश और पानी को जो है मिक्स करके रख दिया है। और अभी हम लोग ले लिया है केक, इसको हम लोग स्लाइस में कट कर लेंगे। और जो केक की टॉप लेयर है उसको हम लोग हटा देंगे, बाद में काम आएगा, वो भी काम आएगा। और ये रहा मेरा केक जो है कितनी जालीदार बनी है, आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी बनी है। तो इसको हम लोग स्लाइस में कट कर लेंगे। और जो है अभी हम लोग आइसिंग करेंगे। तो पहले हमने ले लिया है पहली लेयर और बोर्ड में थोड़ा क्रीम लगा दिया है। और अभी हम लोग पहली लेयर को सोक कर लेंगे पाइनएप्पल क्रश और पानी की मदद से। उसके बाद हम लोग ले लिया है क्रीम और पाइनएप्पल क्रश, और इसको हम लोग स्प्रेड कर देंगे इक्वली, ताकि आपकी जो कस्टमर है वो जो बाइट ले तो बहुत ही अच्छा लगे उनको। और अभी हम लोग ले लिया है सेकेंड लेयर, और फिर से हम लोग सोक कर लेंगे। सोक करना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जो केक है तो वो अंदर से ड्राई रहेगी। तो इसीलिए सोक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, जितना लगे उतना ही कीजिए। ज़्यादा करने से आपकी जो केक है वो तो सॉगी हो जाएगा। तो इसीलिए तो अभी हम लोग थर्ड लेयर को भी ले लिया है। इसी तरह हमने जो है एक को 5-6 लेयर लिया है, क्योंकि हमने जो केक है उसकी जो हाइट चाहिए हमें। तो इसीलिए हम लोग 5-6 लेयर में इसको असेंबल कर लिया है। और एक केक के ऊपर जो है एक हाउस आएगी, तो आप पूरी वीडियो देखते रहिए। हालांकि मैंने जो है पूरी वीडियो की शूट नहीं कर पाई, तभी भी मैं बोलती रहूँगी कि मैंने क्या क्या किया। और अभी हम लोग इसकी जो है क्रम कोटिंग कर लेंगे। क्रम कोटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप जब फाइनल आइसिंग करोगे तब केक की जो क्रम्स है वो ऊपर आने लगेगी, और आपकी फाइनल आइसिंग जो है उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो इसी तरह थोड़ी क्रीम की मदद से आप केक को पूरा क्रम कोटिंग कर लेना है। और अभी हम लोग हाउस की तैयारी करेंगे। तो केक की जो स्लाइस है उसको हमने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, और इसको भी हम लोग सोक कर लेंगे। और जो है क्रीम और पाइनएप्पल क्रश स्प्रेड कर देंगे। इसमें भी मैंने जो है 5-6 लेयर ले लिया है, ताकि हमारी जो हाउस है उसकी भी लेंथ जो है अच्छी आए। तो इसीलिए मैंने जो है अब धीरे धीरे इसको भी असेंबल कर लिया है। और जो है मेरे पास ना एक्स्ट्रा बोर्ड नहीं थी, तो इसीलिए मैंने जो है प्लेट के ऊपर ही असेंबल करना शुरू कर दिया है। और आपकी जो केक है अगर ज़्यादा तेरा मेरा है साइड में, तो आप सीजर के मदद से भी कट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे नाइफ के मदद से कट करोगे तो आपकी जो केक की शेप है वो बिगड़ जाएगी, मतलब तेरी मेरी हो जाएगी। तो इसीलिए आप सीजर से भी कट कर सकते हो। इसी तरह कट कर लेना है। और फिर जो है हमारी जो हाउस है उसको हमने अभी हमने जो है क्रम कोटिंग करनी है। क्रम कोटिंग के टाइम में इसमें थोड़ा ज़्यादा क्रीम लग गया है, क्योंकि जो केक की स्लाइस है वो उतनी परफेक्ट नहीं थी, थोड़ा सा छोटा मोटा था। तो इसीलिए हमने जो है क्रीम के मदद से उसको सही कर दिया है, इसी तरह स्क्वायर की मदद से। और अभी हमने जो है छोटी वाली टूथपिक है उसको इंसर्ट कर देंगे, ताकि हमारे केक जो है मतलब हाउस जो है गिरे नहीं। और बड़ी केक के ऊपर भी हम लोग बड़ी जो टूथपिक आती है उसको भी इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा दूर भेजना है इसीलिए। और अभी हम लोग फाइनल इसकी आइसिंग कर लेंगे। अगर फाइनल आइसिंग के टाइम पे अगर आप पाइपिंग बैग की मदद से कर सकते हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादा क्रीम नहीं लगेगा और जो फाइनल आइसिंग है बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इसी तरह पहले हम लोग ऊपर की क्रीम को स्मच कर लेंगे, और पैलेट नाइफ को 90 डिग्री रखते हुए साइड की क्रीम को भी हम लोग स्मच कर देंगे, और स्क्रैपर की मदद से हम लोग फाइनल आइसिंग कर लेंगे। और ऊपर में जो है ब्रश की मदद से मैंने जो है थोड़ा सा पैटर्न बना दिया है, और साइड में भी थोड़ा पैटर्न बना दिया था, क्यों पता नहीं उसके वीडियो क्यों नहीं हुआ। और अभी जो हाउस की जो है थोड़ी सी हम लोग डिटेलिंग करेंगे, तो वाइट क्रीम में थोड़ा सा ब्राउन कलर मिलाकर हमने जो है ब्राउन कलर की क्रीम बना लिया है। और ये रहा हमारा कैंडी, मैंने जो है केक की मदद से फंडेंट बनाया, और उसी से हमने जो है कैंडी बनाई है, अब मैं आगे दिखाऊंगी। तो उसके पहले जो है हाउस को केक के ऊपर असेंबल कर देंगे, बहुत ही हल्की हाथों से करना है। तो अभी हमने जो है व्हाइट कंपाउंड को थोड़ी सी मेल्ट करके इसी तरह पोर कर दिया है
अभी तक तो जो है केक की डिज़ाइन सही थी, क्योंकि कस्टमर ने जो फोटो भेजी थी तो इसी तरह की थी, तो मैंने पूरा ट्राई की कि उसी जैसा बनाऊं। हालांकि सेम टू सेम तो नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत हो ही गया था, थोड़ा बहुत नहीं हो ही गया था। लेकिन बाद में फ़ोन करके कस्टमर ने बोला कि थोड़ा चेंजेस करने के लिए, तो मैं उसकी फ़ोटो दिखाऊंगी। और ये रहा मेरा कैंडी, आपको दूर से फोंडेंट ही लग रहा होगा, लेकिन ये मैंने जो है केक से बनाया है। केक को पहले गूंद लिया है मिल्क की मदद से, और जो है ग्रीन कलर की क्रीम इसमें ऐड कर दिया है। और ये रहा जो है कस्टमर ने जो भेजा कि वो फ़ोन करके बोला कि थोड़ा चेंजेस करने के लिए, तो हाउस में थोड़ा चेंजेस कर लिया। और जो वाइट क्रीम मैंने डाली थी, पोर करी थी, उसके ऊपर मैंने जो है ब्लैक कंपाउंड कर दिया। गाइस वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।